तो स्वागत है भाई आप सभी का विश्रुत फार्म के हमारे इस न्यू ब्लॉग पर। तो भाई काफ़ी दिनों से ब्लॉग तो नहीं डाल रखा था, क्योंकि मैं चैनल में भाई कुछ ज़्यादा खास तो हो नहीं रहा था, और एक दो दिनों के लिए तो मैं ही बाहर था। और हमारी जो निक्की थी भाई वो भी देहरादून गई हुई थी, जैसे कि आपने हमारा अगर पिछला ब्लॉग देखा हो तो पता होगा, जो निक्की है भाई वो देहरादून गई हुई थी मेट होने के लिए। और जो वहाँ पे भाई स्टड है वो इंडिया का ग्रैंड चैंपियन और भाई इम्पोर्ट जो डॉग है डायरेक्ट उसका सन है, सुपर डॉग है भाई, लार्ज साइज का। तो होप करते हैं कि भाई जल्दी गुड न्यूज़ आएगी। और कल भाई हम जाने वाले हैं रोहतक चेरी को लेकर, जो हमारी बीगल की फीमेल है, हम उसको, आपको याद होगा जो आपने पहले भी वीडियो देखी है, हम उसको लेके एक बार दिल्ली भी गए थे। तो रोहतक में भाई जो डॉग है वो ऑस्ट्रेलियन चैंपियन और इम्पोर्ट का डायरेक्ट सन है, जो खुद भी इंडियन चैंपियन हो चुका भाई, बहुत सुंदर डॉग है, आपको कल दिखाएंगे और उस भाई से भी मिलवाएंगे जिसके पास डॉग है। और ये रही भी देखो फिलहाल निक्की, निक्की के ये रही भाई निक्की, ये आ गई बिल्कुल अच्छी तरीके से। इसकी जो है क्या ना ट्रिप बढ़िया रही, ये दो दिन रहेगा ही देहरादून। और जा जा निकलोई, ए क्लोई ये मफिन के साथ, ये मफिन के साथ ही रहे। और एक ये क्लोई है और वुगली जा रखी भाई अभी खेलने के लिए, बाहर है वो, ठीक है। और ये जो भाई क्लोई है ये किसी लविंग फैमिली के लिए अभी भी अवेलेबल है, अगर आप में से कोई लेना चाहता है तो आप हमसे बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शरारती फीमेल है भाई। और निक्की कल जो है भाई हमारा मॉर्निंग सुबह लगभग हम यही कोई 5-6 बजे के आसपास निकलेंगे, और तो जैसा ही रहेगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो ये रही भाई देखो चेरी, ठीक है, और ये रही निक्की, ये मेरे पास खीरा है और ये खीरे के लिए है दोनों इतने परेशान। चेरी और ये भाई जो अपनी चेरी है ये भी बहुत सुंदर ब्लड लाइन से बिलोंग करती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पेडिग्री है इसकी भी, और जिस डॉग पे मेट होगी उसकी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पेडिग्री है, वो तो खुद ही इंडियन चैंपियन है, इंडियन कॉम्बिनेशन बैठेगा है। तो देखते हैं प्रभु की कृपा से कैसा कॉम्बिनेशन बैठता है। अरे चेरी ले 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 आ जा चेरे, बाकी देगा मम्मी के पास जाएगी अभी सीधा, इसको वहीं पर ही मिलेगी, ले तो भाई जल्दी मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ कि जैसे गर्मी आ गई तो भाई समर में हम अपने डॉग की जो है क्या डाइट रखते हैं आपको वो भी पता चल जाएगा। और दूसरा यह है भाई अब मैं ना मिनी ब्लॉग शुरू करने वाला हूँ, डेली एक ब्लॉग छोटा सा, मैं पूरे दिन में ज़रूरी नहीं डॉग से ही, और वो मेरा ब्लॉग होगा भाई जो है कि मैं पूरे दिन में क्या करता हूँ और क्या रहेगा, तो मैं उसकी एक छोटी सी अपडेट 1 मिनट की आपको अब पता चलती रहेगी। और जो हमारी ये लॉन्ग ब्लॉग है ये कोई ना कोई भाई इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपको हफ्ते में एक वीडियो जरूर मिलेगी। तो भाई मिलते हैं अब तो सुबह के लिए, चेरी को लेके जब चलेंगे तब शूट करूंगा भाई, ठीक है। तो भाई अभी सुबह का टाइम है, टाइम हो रखा 5:30 के आसपास, तो देखो ये सारे उठ चुके अभी, वही है हमें भी जल्दी निकलना, थोड़ा सा लेट हो गया, 5 बजे निकल जाना था। तो अभी ना फीड दे के मेरे मफिन और दोनों बच्चे, और फीड दे कर अपना फिर चलते हैं, उसके बाद ही अपना आराम से खेल लेंगे बाकी सारे, और चेरी को लेके चलते हैं फिर चेरी को। चेरी अभी चलने के लिए पूरे तैयार है, देखो कितने जरा से ना, तो चाहे कोई बोर्ड में भी उठा लो आगे ले जाओगे कोई तो जाने चेरी। ये देखो चेरी तो पहले तो भाई हो रही जाने को तैयार, वापस तो निक्की निक्की क्या दिक्कत है। और इसमें रख लिया भाई मैंने इसके चेरी के लिए रास्ते में मखाने, बीच बीच में इसे देते रहेंगे। और ये होली भाई इसकी चेरी के लिए गाड़ी तैयार, 2 घंटे का सफर है अपना, आराम से जागी बैठ के। हाँ आ जा बैठ जा, ये देखो ये देखो ये देखो पूरी एक्साइटेड है भाई जान की दिया। चल रुक जा अभी बैठा अम्मा। देखो भाई ये चेरी बिल्कुल आराम से सो रही, पता नहीं भाई लोग क्या है कि उनके डॉग जो है भाई गाड़ी में परेशान करें। लगभग 70 किलोमीटर भाई हम ट्रेवल कर चुके और ये तब से ऐसे ही सो रही आराम से, लगभग हाफ वे तो ट्रेवल हो चुका, आधा और रहेगा। चेरे सो जा चल भाई, और भाई की लोकेशन यहाँ से मुश्किल से 10 किलोमीटर रहेगी अब तो, और चेरी भी अब तो यहाँ पर आराम से घूमने लग रही है, मैं आपको दिखाऊंगा, अब काफ़ी खुला एरिया है यहाँ पर, रुके हम थोड़ी सी देर के लिए भाई, काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं उसके, जो डॉग है वो गोटी नाम है उसका भाई, उसे देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत सुंदर डॉग है, आपको भी मैं ज़रूर दिखाऊंगा।
अब यहाँ रुके अपना आराम से घूम रही थोड़ी देर, अब चलेंगे 5-1 मिनट में और ज़्यादा लंबा नहीं रह रहा, 10-12 किलोमीटर का रास्ता सारा रह गया अब तो। तो भाई अभी आ गए थे हम सन्नी भाई के पास और मैं आपको उनका स्टंट दिखाता हूँ जो कि इंडियन चैंपियन है। भाई कैसे हो भाई? बस जी बढ़िया। और ये देखो कितना परेशान है उसके चेहरी के लिए, अब फेस देखो भाई इसका बच्चे का कितना जानदार है। और आपको भी याद है जो पीछे से हम पानीपत जो है बच्चे हैंडओवर करने गए थे उसमें जो एक दो फीमेल हमने दी थी उसमें से एक फीमेल भाई इसी की थी, वो जो सुंदर से फेस की बच्ची थी भाई गोटी, ये देखो ओ भाई बहुत सुंदर बच्चा है भाई। ये परेशान हो रहा भाई चेहरी के लिए, ये देखो बोटी। तो देखो भाई आप ना इसका एक बार जो ये गोटी है आप इसका हेड प्रोफाइल और आगे का मजल टाइप देखो भाई, मजल तो मुझे इतना ज्यादा पसंद आया कि अगर हम भी भाई कभी कोई स्टड लेंगे तो इसी टाइप के मजल का लेंगे। आप लोगों को जल्दी वो भी न्यूज़ मिल जाएगी अगर हम कोई स्टड खरीदेंगे। और अगर मैं इसकी ब्लड लाइन के बारे में बात करूँ तो जो इसका फादर है वो भी ऑस्ट्रेलियन इम्पोर्ट है और ऑस्ट्रेलियन चैम्पियन है, और जो इसकी मदर है वो प्लेमेट कैनल की ही ब्रीडिंग की है। ये जो पपी है वो प्रवीण भाई की ब्रीडिंग का बच्चा है, बहुत सुंदर बच्चा है। और अभी ना भाई के जो बाकी डॉग्स हैं इनकी जो फीमेल हैं या और भी स्टड हैं अभी वो भी मंगवाते हैं, आपको वो भी दिखाएंगे। भाई के पास भी काफ़ी सारे डॉग हैं और एक से एक ब्लड लाइन के डॉग हैं। तो ये देखो भाई ये भाई के सारे डॉग आ गए और यहाँ पे इतने सारे डॉग हैं और ये कम से कम भाई 7-8 बीगल है और इनमें चेरी का पता नहीं चल रहा कि चेरी कहाँ पे है, वैसे ही इन्हीं के साथ ही है चेरी भी। आप बताओ कमेंट में अगर आपको पता चल रहा है कि चेरी इनमें से कौन सी है जल्दी। ये रही देखो ये रही चेरी। एक बार को तो मुझे भी टाइम लगा भाई ढूंढने में कि चेरी कौन सी है इनमें से। और वैसे आपको ये नहीं लगता कि जैसा भाई ने इसका नाम रखा गोटी, थोड़ा कितना बड़ा ही अलग सा नाम है भाई गोटी। तो वो अक्षय कुमार की एक मूवी थी ना जिसमें वो भूल भुलैया शायद, वो अक्षय कुमार का एक डायलॉग था गोटे गोटे भाई गोटे गोटे, तो भाई मुझे वो थोड़ा सा डायलॉग याद आ गया। खैर काफ़ी बहुत सुंदर डॉग है भाई के भाई। और बस अभी चलते हैं, यहाँ का तो जो है भाई काम थोड़ा हमारा भी हो गया और चलते हैं भाई बस अब जा। ठीक है भैया। तो भाई फाइनली हम जो है शामली आ गए थे, शाम में काफ़ी ट्रैवल हुई भाई आज तो बहुत ज़्यादा थके। और दूसरा यह अभी बिल्कुल फ्रेश वगैरह हो के और बिल्कुल अब भाई रेस्ट करने वाले थे। चेरी भी जो है अच्छे तरीके से अब तो भाई पूरा रेस्ट कर रही है, वो सो रही है आराम से। और भाई जिस काम के लिए गए थे वैसे तो वो अच्छी तरीके से हो गया, पर भाई होपफुली जल्दी ही मैं आपको गुड न्यूज़ भी दूंगा इससे रिलेटेड। तो भाई मिलते हैं तब तक के लिए सीताराम आप सभी को, आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वीडियो को लाइक जरूर।